सारा बर्बाद हो गया है। अभी खत्म हो गया गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस अभी मैंने अपने बालों पे लगाया है अंडा, सिर्फ अंडा लगाया है। बहुत टाइम बाद ना आज लगा रही हूँ मैं सिर्फ अंडा। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है ना अंडे के साथ। ऑलिव ऑयल तो नहीं लगाया, सिर्फ अंडा लगाया है। अभी मैं रखूंगी इसको 20 मिनट और उसके बाद वॉश करूंगी। नहा के बैठी हूँ। आज मैंने सर पे ना एक्स लगाया था ना। एक्स से ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, शाइन होता है। मुझे ना एक्स बहुत सूट करता है बालों पे, अभी लगता है मुझे एक्स लगाना। मैंने हर वक्त दो एक्स लगाती हूँ अपने बालों पे, जैसे महीने में एक या दो महीने में एक। आज मेरी बॉडी अपना स्क्रबिंग भी कर लिया, एक्स का खुशबू ही नहीं जा रहा था, लगा थोड़ा थोड़ा ही। मैंने ना दो बार शैम्पू, एक बार कंडीशनर किया, तो अभी भी ऐसा लग रहा है इसका कहीं ना स्मेल आ रहा है। शायशा यहाँ है। खुशी तुम्हारा तबीयत कैसा है अभी? ठीक है थोड़ा। खुशी अभी ठीक लग रही है, इसका फीवर उतर गया है, अभी मेडिसिन ले रही है। डिप्स लगाया था ना उससे तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। रात को नींद आई? कल से तो ज्यादा ही बेटर हूँ। सब खांसी है, अफवाह कोल्ड है, फीवर अभी नहीं है। वो दवाई और ड्रिप्स की वजह से रात में भी मैं सो गई अच्छे से। अच्छा साइशा तुम कैसी हो? ठीक हो तुम? शायद साइशा सोएगी तो मैं सुलाऊंगी से। नहीं ये बैठ कर आया। और दीदी ने ऊपर कपड़े सुखाते हैं हमारे रूम के सामने और वहाँ पे धूप नहीं आती। यहाँ पे लेके सुखा रही हूँ। वैसे ये सूखा हुआ कपड़ा है लेकिन तभी भी धूप आती है ऊपर ना, सूखता है लेकिन 2-3 दिन लगता है सूखने में ऊपर ना, ऊपर फ्लैट में। और नीचे लेकिन मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक भी है। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, देख सकते हो बेहद वेदर ना, इतना गर्मी है यहाँ पे आज। और मम्मी ना शाइशा को सुलाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये नहीं सो रही है। जब हम कंधे पे सुलाते है ना इसे अच्छे से सोती है, जब हम पेट पे ऐसे शिफ्ट करेंगे ना वो उठ जाती है। कल या परसों तो करवा चौथ है ना हमारी नेपाली में तो करवा चौथ मनाते नहीं है। कोई मनाता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं मनाता। कल मेरे कभी नहीं सुना मनाया हुआ है करवा चौथ, लेकिन तभी भी मैं सोच रही हूँ मम्मी को रेडी करके ना कुछ फोटोज वीडियोस कर दूँ। अच्छा लगता है, स्पेशल लगता है। मैरिड वुमन के लिए होता है ना ये, तो अगर मैरिड हो तो सजना संवरना तो बनता है ना। ये मम्मी के लिए रेडी करने के लिए सोच रही हूँ, देखते मानती है क्या नहीं। वैसे तो मम्मी कभी मानती नहीं है, कभी मेकअप करने या खुद सजना संवरने के लिए मैं ही फोर्स करती हूँ करो करो करके। कल करवा चाहते ना तो मम्मी को रेडी करूंगी और मम्मी के लिए प्यारा प्यारा वीडियो सब फोटो क्लिक करूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा रख लिया है। यहाँ पे साड़ी की करवा चौथ में लगाते हैं, रेड साड़ी और चोलो सकते हो, और रेड पोते और मम्मी का कम ज्वेलरी से यहाँ पे मैंने रखा है, थोड़ा सा मेकअप रखा है। अभी मम्मी को करेंगे हम रेडी। खुशी क्या करने वाली हो मम्मी के साथ? खुशी करेगी मम्मी को मेकअप। मम्मी आप बहुत प्यारी लगने वाली हो, ठीक है? अब रेडी करते हैं। खुशी लगा रही है मम्मी को मॉइस्चराइजर। कौन सा मेकअप करने वाली हो तुम? नेचुरल, ठीक है। करवा चौथ जैसे करना, ठीक है? ऐसा होना चाहिए कि ग्लो कर रहे, ठीक है? ग्लोइंग वाला होना चाहिए। थोड़ा हैवी भी लगे तो कोई बात नहीं क्योंकि करवा चौथ है तो सब चलता है। मम्मी को वेट कर रहा है ये टोबी, यहाँ पे देख सकते हो, कहीं नहीं छोड़ता मम्मी। मम्मी जहाँ है टोबी वहीं है। सबको हैप्पी करवा चौथ, ठीक है? हर शादीशुदा को, या मुझे नहीं पता बिना शादीशुदा वाले लोग बनाते कि नहीं बनाते, हैप्पी करवा चौथ, ठीक है? हमें तो बोलना भी इतना नहीं आता क्योंकि हम कभी नहीं मनाते, फर्स्ट टाइम है। मॉइस्चराइजर के बाद मैंने लगाया लोशन, प्राइमर में उससे मॉइस्चराइजर के बाद होता है। हाँ। अभी से ही मम्मी का सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा लिया, देखो स्किन कितना ग्लो कर रहा है मम्मी का। हम खुशी के रूम पे आके ना मम्मी को रेडी कर रहे हैं क्योंकि शाइशा वहाँ सो रही है। तो आज भी ना मम्मी नहीं मान रही थी कुछ करने के लिए, मैं करवा चौथ के लिए मैं बोल रही थी मम्मी रेडी हो जाओ ना आप स्पेशल करते हैं, मैं बोल रही हूँ, मम्मी बोलती है नहीं नहीं। मम्मी क्यों नहीं आप मानती? नहीं मम्मी ऐसे नहीं होता, थोड़ी ना 50 इयर्स में कोई ओल्ड नहीं होता। आप ऐसा बोल रहे हो, कितने कितने लोग तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। मम्मी नहीं मानती कुछ भी करने के लिए। गाइस आप लोग बोलो कमेंट पे। मैं फेस पैक लगाने के लिए बोलती हूँ, मम्मी बोलती नहीं लगाना, मास्क नहीं लगा कुछ भी बोलती हूँ। मम्मी हेयर कट कर लेती हूँ आपका, मम्मी बोलती नहीं मम्मी को कट ही नहीं देती, मैं क्या करूँ? गाइस कमेंट पे प्लीज मम्मी को बोलो कर रहे हो मेकअप करने के लिए, ठीक है? मम्मी का स्किन कितना अच्छा हो गया। अरे मम्मी को कफ हो रहा है, देखो गाइस अभी बहुत ज्यादा सीजन है ना, अभी खुशी का था, अभी मम्मी को भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इस टाइम ना आप सबको बचना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि अभी समर से विंटर में जा रहा है ना, वेदर चेंज हो रहा है, हालत खराब हो जाएगी। कल खुशी को डिप्स लगा था, अभी इसका तबीयत थोड़ा ठीक है, मम्मी को खांसी आ रही है। सब शुरुआत ना नेक पेन से ही होता है, नेक पेन से शुरुआत हुई थी खुशी। मम्मी को भी गर्म गर्म खाना चाहिए, मम्मी को कभी गर्म नहीं पीती, मम्मी सिर्फ ठंडा पीती है, पानी भी ठंडा। मम्मी आपने ठंडा पानी पिया है आज? देखो 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 हमारी मम्मी कभी नहीं मानती गर्म पानी पीने के लिए, सिर्फ ठंडा। मम्मी आपको पता है ना नेक पेन होता है ठंडे पानी से, तब भी ना
आप क्यों पूरा दर्द कर रहा है आगे मत पीना आज ठीक है आज से तो हम क्या करें मम्मी के आगे तो हार जाते हैं हम कुछ नहीं बोल सकते मम्मी को जितना नामुमकिन मुश्किल है वीडियो शूट करने वाले थे फिर मम्मी को ऑफिस से कॉल आ गया कि ऑफिस जाना है काम हो गया देखो फिर मम्मी को करना पड़ा वॉश जितना मेहनत किया था सारा बर्बाद हो गया देखो खुशी फेस वॉश दे रही है अब मेकअप उस टाइम पे फाउंडेशन दे रही थी अभी फेस वॉश दे रही है गाइस सारा मेहनत चौपट हो गया यार ऐसे होता है कभी कभी और यहाँ ना पापा देख रहे हैं शाशा को शाशा क्या कर रही हो तुम दो दो फोन से कितना सोचा था कि अच्छा वीडियोस लेंगे फोटोज लेंगे तो सारा बर्बाद हो गया ऐसे होता है कभी कभी ना मेरा सारा चौपट हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं गाइस टाइम मिलेगा तो करेंगे लेकिन वैसे तो मम्मी को बहुत ही टाइम मिलता है और मम्मी मानती नहीं है बहुत मुश्किल से मान गई थी लेकिन अभी खत्म हो गया गाइस पूरा पापा गए थे ना मम्मी को ड्रॉप करने के लिए ऑफिस तो रास्ते पे ना मैंने बोला था टाइपो लेके आना पापा प्लीज तो पापा लेके आ गए टाइपो अभी हम खाएंगे एक्साइटेड बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है गाइस मुझे टाइपो देखो ओ इतना बड़ा है तुम घर पे आके पहली बार नमक की नहीं क्योंकि ना दीदी नमक डाल नहीं डालते हाँ बहुत टेस्टी है गाइस कितना टेस्टी है कैसा टेस्ट गाइस अभी हम खा रहे मोमो गरम गरम बहुत ज्यादा टेस्टी गेट रेडी विद मी मम्मी का किया है तो इंस्टाग्राम प्रति ब्लॉग्स में जरूर जाके देखना फुल लुक तो गाइस अभी मम्मी का शूट हुआ खत्म मैं कभी भी एप्पल देती हूँ ना कुछ भी देती हूँ मैं ये देखता है टोबी लाला लाला यार ये देखता रहता है वो चाहता है मैं वहाँ जाके दूं इसे इतना बदमाश है ये अभी मैं खा रही हूँ एप्पल मौसमी बहुत ज्यादा ठंडा है तो अभी भी मैं ये खा रही हूँ मम्मी मुझे डांट रही है तुम्हें भी फीवर ना हो जाए करके लेकिन मैं खाऊंगी मुझे बहुत ज्यादा पसंद गाइस मैंने ना इसको घुमाने के लिए बाहर निकाला है क्योंकि इसका अभी तबीयत ठीक नहीं है खुशी का थोड़ा ठीक हो गया है लेकिन शायशा का ठीक नहीं हुआ है लेकिन एक्टिव तो है ये खाना खा रही है एक्टिव है ना बच्चे तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बोल नहीं सकते है ना तो अभी मैं इसे घुमाने के लिए बाहर निकाली हूँ थोड़ा फ्रेश हो जाएगा इसने ना विक्स का बॉटल दिखा इसने ना ये कैरी किया है देखो ये कैरी करके चल रही है शायद आज तो हंस भी नहीं रही कितना सैड सैड हो गया जब ये नहीं हंसती तो सुना सुने लगता है ना शायशा जो आसपास के लोग बोल रहे थे हेलो शायशा लेकिन शायशा कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देती इसकी तो अभी ठीक ही नहीं है शायशा ने कुछ हेलो भी नहीं बोला बाय भी नहीं बोला आज शायशा मुझको ही देखती है ना टोपी नहीं लगाया सॉक्स भी नहीं लगा दिया क्योंकि मम्मी बोल रही थी इसका बॉडी ऑलरेडी हीट है तो इसे गर्म नहीं करना है ना शायशा तुम्हें गर्म नहीं करना ना और ये तीनों देखो इसने ही टोपी को काटा था हमारे आंगन पे बैठा लेकिन क्या करे यार कभी कभी गलती है ना इसके साथ गया था तो अभी हमारे घर पे हमेशा बैठते ये तीनों मम्मी हमेशा शाम को ना ऐसे खाना देती है सबको तीनों को देती है दोनों पता नहीं कहाँ चले गए सिर्फ ये है अभी मम्मी ने एक यहाँ पे दिया दोनों को देंगे अलग अलग मम्मी अलग अलग क्यों देते हो सब्जी नहीं है मम्मी यहाँ पे वेट करिए कब आएगा और मैं दे जाएगा ये दोनों भी आ गया खाना खाने के लिए दोनों जाओ खाना खाने के लिए जाओ मैं दे रही यहाँ पे खाना अलग अलग इनका इनको पता है ना इनका डिनर टाइम है करके आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल बाय बाय।